अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन हरियाली टिक्का। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 650 ग्राम बोनलेस चिकन, और इस तरह से मैंने इसकी बोटियाँ बना ली हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। एक जार लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कप पुदीना, 1 कप हरी धनिया, 10 हरी मिर्च, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, 100 ग्राम डालेंगे इसके अंदर पालक। तो मैंने पालक को साफ़ करने के बाद इसे मेजर किया था, तो ये 100 ग्राम है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लेते हैं बग़ैर पानी डाले। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बनाकर इसे एक बड़े बाउल में निकाल लिया है, और इसे मैंने बग़ैर पानी डाले इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप फ्रेश दही, 1 टेबल स्पून डालेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, 1/2 नींबू का रस, नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन, और एक बार इसे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल, और एक बार और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से चिकन सॉफ्ट बनता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 3 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब चिकन की बोटियों को हम इस तरह से स्क्यूअर्स में लगा देंगे। एक में जितनी बोटियां आएंगी उसी हिसाब से लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है पैन में। आप चाहें तो तवे पर या ग्रिल पैन में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर 1-1 स्टिक इस तरह से रख देंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से पलट दिया करेंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसे उलट पुलट कर चारों तरफ से फ्राई कर लिया है, और इसे फ्राई करने में टोटल 7 से 8 मिनट लगता है। मैरिनेट करने की वजह से चिकन जल्दी से गल जाता है, टेंडर हो जाता है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा मसाला। ये जो मैरिनेशन का मसाला है ये हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अगर हम शुरू में डाल देते तो जब तक चिकन गलता जब तक मसाला जल जाता, इसलिए अब इसके ऊपर हम डालेंगे। मसाला डालने के बाद एक बार और इसे हम इस तरह से मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने इसे मसालों के साथ भी 2 मिनट फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब मसाला भी भुन गया है जो हमने बाद में डाला था। तो ये चिकन तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी जितने हैं उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का बनके तैयार हो गया है। इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें देंगे चारकोल का धुआं। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक प्याली और इसके अंदर मैंने रखा है चारकोल, जिसे मैंने 5 मिनट पहले गैस पे जला के रख दिया था। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। 5 मिनट तक इसी तरह हम छोड़ देते हैं। अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस चूल्हे पर भी इसे सेंक सकते हो। आप चिमटे से पकड़कर या कोई जाली रखकर उसे आप डायरेक्ट उस पर आग पे सेक सकते हो। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 5 मिनट के बाद अब ये चिकन टिक्का एकदम रेडी है खाने के लिए, तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं।